रुख कर लेते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। आज हाथरस कांड के मुख्य आरोपी की पेशी है। देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कल मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वकील का यहां पर दावा है कि मधुकर ने सरेंडर किया। इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। वरुण, इस खबर से जुड़ी हुई और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, करीब 1 बजे करीब मधुकर को इस कोर्ट में पेश किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हाथरस की, वहां पर मधुकर को लाया जाएगा। इससे पहले इंटरोगेशन रात में जब लाया गया मधुकर को, तो इंटरोगेशन में एडीजी लेवल के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ये पूछताछ की गई कि आखिर जो फंडिंग है वो इस सत्संग की कहां से हुई थी, आखिर ये फंड कहां से आया, पैसा कहां से आया, ऑर्गेनाइज किसने करवाया, कितने लोगों का फंड इकट्ठा हुआ और कितने दिनों से प्रिपरेशन चल रही थी। हालांकि मधुकर ने अब तक जो सोर्सेस से खबर आ रही है कि बहुत हद तक इन तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए। उसने सिर्फ इतना बोला कि मैं बाबा का सेवक हूं, मैं बाबा को मानता हूं, बाबा ही जो है वो सब कुछ है। तो अपनी तरफ से गोलमोल तरीके से तमाम सवालों के जवाब मधुकर देता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले उसका मेडिकल क्लिनिक ले जाया जाएगा, उसके बाद जो है करीब 1 बजे करीब कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की कोशिश है कि पहले पुलिस रिमांड पे लिया जाए। इंटरोगेशन में बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। ये जानना है कि आखिर ऑर्गेनाइज किसने करवाया, ये जानना है कि आखिर मधुकर का रोल क्या था, मधुकर के अलावा और कौन कौन लोग थे जिस पूरे मामले में शामिल थे। ये ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि होता क्या है, जब सत्संग आप करते हैं तो 5 से 10 नहीं पूरे 15-20-25 लोग मिलते हैं और फिर ये तय करते हैं कि इस स्थान पर जो है वो सत्संग किया जाएगा, तो परमिशन में भी मधुकर का एक अहम रोल रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके तार अब पुलिस जोड़ना शुरू करेगी इंटरोगेशन में। लेकिन हाँ, कोर्ट में जाने पर यह जरूर समझाने की कोशिश करेगी पुलिस कि हमें रिमांड क्यों चाहिए और इस रिमांड के आधार पर हम किस तरीके से पूरी जांच को आगे बढ़ाएंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर सोर्स ऑफ इनकम क्या रही, फंड कितना इकट्ठा हुआ था, फंड कितना आया, किस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया और कौन कौन से ऐसे आयोजक हैं जो अब तक क्लियर नहीं हो पाए, इनके नाम क्लियर नहीं हो पाए। और ये भी जानने का पुलिस प्रयास करेगी कि बाबा का क्या वाकई कोई रोल रहा है या फिर नहीं रहा है, बाबा कितने बजे गाड़ी से निकले थे, ये भी तमाम इन्फॉर्मेशन मधुकर से निकालने की कोशिश की जा रही है। आप बने रहें इस बीच, एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव का बयान आ गया है। एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन नाकामी छिपा रहा है, छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर पल्ला झाड़ रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है, ये कहना है अखिलेश यादव का। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक जो विपक्ष के नेता है उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। अशोक तिवारी से ज्यादा जानकारी लेते हैं। देखिए, अभी मायावती की हम बात ही कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो छोटी मोटी गिरफ्तारियां हैं ये एक्शन नहीं है, स्वयं में एक षड्यंत्र है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस दिन हाथरस कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा कि उस वक्त तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हाथरस कांड को लेकर यूपी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था और तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए थे। अभी जब सुबह मायावती ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ट्वीट किया तो उन्होंने न सिर्फ ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बल्कि वर्ग विशेष में यह मैसेज देने की कोशिश की कि आपको सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी, पार्टी के मूवमेंट से जुड़ना होगा, तभी आप हाथरस जैसे कांड से बच सकते हैं। अब अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि सरकार की तरफ से छोटी मोटी गिरफ्तारियां की जा रही हैं और उसमें लगातार ये कोशिश की जा रही है दिखाने की कि शासन प्रशासन की उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर इस तरह का रवैया सरकार का होगा तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा आरोप भी लगाया गया है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से देखी जानी चाहिए। दूसरी बात यह भी, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में गिरफ्तारियों का भी जिक्र किया और ये कहा है कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है जो कि उस दिन आयोजन से काफी दूर थे। तो अगर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है तो उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी गिरफ्तारियां अभी तक सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से की गई है उसकी न्यायिक जांच की मांग भी अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि हाथरस घटना को लेकर एक तरफ जहां योगी सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई, वहां की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, बाद में न्यायिक आयोग भी गठित किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए कि ये मुझे लगता है कि सिर्फ अभी तक मायावती ही ऐसी एक नेता है जिन्होंने खुले तौर पर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन उसके अलावा तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा गया कि शासन प्रशासन और सरकार की लापरवाही है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग हैं उनको मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से ज्यादा किया जाना चाहिए, इस तरह की बातें तो कही जा रही थी। दरअसल आप देखिए कि जिस भोले बाबा का जिक्र इस पूरे घटनाक्रम में आया है, जिस दिन वो सत्संग कर रहे थे जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है, दरअसल उनकी एक वर्ग विशेष में अच्छी पकड़ बताई जाती है। ठीक है अशोक, आप बने रहे इस पीछे, एक और बड़ी खबर का रुख करना है। भोले बाबा के काफले का नया वीडियो सामने आया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर,
आपको बता रहे हैं 2 जुलाई यानी कि हादसे के दिन का है ये वीडियो। एटा के पास कई गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया और शाम 6:38 पर करीब करीब ये उसी वक्त काफिला दिखाई दिया है जो हमें जानकारी मिल रही है। एटा के पास कई गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दी बड़ी संख्या में वहां पर। समय शाम का बताया जा रहा है 6:38 के करीब ये गाड़ियों का काफिला वहां पर दिखाई दिया। वरुण सिन्हा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है वरुण कि एटा में गाड़ियों का शाम के वक्त में बड़ा काफिला वहां पर दिखाई दिया? देखिए गाड़ियों की स्पीड अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पे बाबा के जाने का मतलब बाबा 20 मिनट में निकल जाते हैं फिर कहीं रुकते हैं फिर लगातार एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने निकल के आ रही है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं जो अपडेट हुई है। न्यायिक जांच के लिए जो टीम बनाई गई है वो फिलहाल पुलिस मुख्यालय पहुंची है। जो पुलिस लाइन है हाथरस में वहां पर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। अब तक इंटरोगेशन में क्या कुछ चीजें सामने निकल के आई हैं ये जानने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद जो घटना स्थल है करीब 2 से 4 बजे यानी कि 2 घंटे का समय लिया जाएगा वहां पर घटना स्थल का जायजा लिया जाएगा। वहां पर देखा जाएगा कि आखिर घटना हुई कहां कैसे हुई क्या हालात बने कौन जिम्मेदार हैं। तो पहली बात ये टीम बात करेगी उन अधिकारियों से जो अब तक जांच में इन्वॉल्व रहे हैं क्या क्या जांच में निकल के आया है और दूसरी बात जो रहने वाली है कि घटनास्थल का जायजा लेने के बाद ही ये टीम अपनी तरफ से पूरी जांच रिपोर्ट को आगे बढ़ाती नजर आएगी। इसके अलावा ये भी समझिए कि अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं पहले वकील ए पी सिंह की तरफ से दावा किया गया था कि मधुकर को जो है उसने अरेस्ट नहीं हुआ बल्कि उसने सरेंडर किया है बल्कि अब यह खबर आ रही है कि मधुकर को नजफगढ़ के एक रोड के पास से करीब 7:30 बजे पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद उसे यहां पर करीब 3 घंटे में लेकर आए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब सामने धीरे धीरे निकल के आती रहेंगी इंटरोगेशन जैसे जैसे बढ़ेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट समझिए विपनेश क्योंकि बड़ा मामला है राजनीतिक रूप का रंग ले चुका है तमाम विपक्ष भी अब एक के बाद एक एग्रेसिवली काम कर रहा है। राहुल गांधी के आने के बाद अब मायावती का ट्वीट और उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान ये समझाने के लिए काफी है कि विपक्ष अब जानता है कि इस पूरे मामले को किस तरीके से राजनीतिक रूप से भुनाना भी है और दूसरी बात पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति पर काम किया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शायद ये भी रणनीति हो सकती है लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि मधुकर इज अ की पॉइंट और वही तय करवाएगा वही ये बताएगा कि वरुण बने रहे और ये काफिला भी हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस पीछे एक और बड़ी खबर जिसका वरुण जिक्र भी कर रहे थे हाथरस आएगा। न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंच चुकी है घटनास्थल का मुआयना करना है और ये टीम मुआयना करेगी अधिकारियों और जनता से मुलाकात भी टीम करेगी क्योंकि तमाम बयान दर्ज करने हैं साक्ष्य भी इकट्ठा करने हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक ये टीम जो जांच करने पहुंच रही है या पहुंच गई है इसकी जो जांच है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देखिए निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो बात जिस तरह का दबाव योगी सरकार पर बनाया जा रहा था कि इसकी बहुत हाई लेवल कमेटी बनाकर जांच की जानी चाहिए तो उसके बाद न्यायिक आयोग गठित किया गया था। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये टीम गठित की गई है जिसमें 2 पूर्व IAS भी शामिल किए गए हैं। आज ये पूरा न्यायिक आयोग हाथरस पहुंचने वाला है। 2 दिन पहले उसकी लखनऊ में भी बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि आखिरकार जांच के बिंदु क्या क्या रहेंगे तो आज वो पूरी टीम हाथरस पहुंचने वाली है। थोड़ी देर बाद वो टीम वहां पहुंच भी जाएगी। 2 दिनों का दौरा न्यायिक आयोग की टीम का हाथरस बताया जा रहा अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से पहले दिन वो तमाम सारे जो अधिकारी हैं यानी कि जो जिले के अधिकारी थे या जो मंडल स्तर के अधिकारी थे जिनको घटना होने के बाद वहां पर कैंप करने के लिए कहा गया था उनके साथ वो बैठक करेंगे और ये फीडबैक लेंगे कि आखिरकार घटनाक्रम को लेकर उनके पास क्या कुछ इनपुट आए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में उनके पास क्या बिंदु उनके सामने जांच में आए हैं। इसके अलावा वो तमाम सारे जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे उनसे भी बातचीत न्यायिक आयोग की टीम करने वाली है और इसके अलावा जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ यानी जहां पर भगदड़ मची थी उस स्पॉट का भी दौरा न्यायिक आयोग की टीम करेगी और पूरे तथ्यों को समझने की कोशिश करेगी और कल तमाम सारे लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे यानी कि जितने भी लोगों की इसमें भूमिका सामने आई है अभी तक चाहे वो सेवादार हो या फिर जो लोग घायल हुए थे उनसे बातचीत हो या जिन अधिकारियों की ड्यूटी सत्संग के समय मौके पर लगाई गई थी ऐसे तमाम सारे लोगों से वो पूछताछ करने वाले हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि न्यायिक आयोग की टीम जो हाथरस जा रही है उसको भी जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट तैयार करके योगी सरकार को सौंपना है शासन को सौंपी जाएगी वो रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की तरफ से तय किया जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई फिलहाल वो वहां पर करते हैं। ठीक है अशोक आप नजर बनाए रखें और न्यायिक आयोग की जांच टीम जो है जो कमेटी का गठन किया गया है वो हाथरस पहुंच चुकी है और लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे साक्ष्य इकट्ठा किए